नमस्ते, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किसान हब वेब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सारे किसान भाइयों को उनके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज किस प्रकार से भेजते हैं। तो वेब में लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले डैशबोर्ड नाम के पेज पे आते हैं। उसके नीचे माय डॉक्स करके ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। उस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऐड नाम का एक बटन दिखेगा। उस बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे पर्याय में शॉर्ट मैसेज नाम का एक पर्याय हमें दिखेगा। उस शॉर्ट मैसेज पर्याय में जहां मैसेज ऐसा वर्ड लिखा है वहां पे हम हमारा मैसेज लिख सकते हैं। ये मैसेज हम 160 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो मैसेज है वो लिखने के बाद नीचे ऐड ऑल करके एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने से क्या होगा, मेरे राइट हैंड साइड में ये सारे के सारे किसानों के नाम आ गए। तो ये हो गया कि मैंने सारे किसान सिलेक्ट किए। अगर आपके राइट हैंड साइड में सारे के सारे किसान आपको नहीं दिखते हैं तब तक आपके किसान सिलेक्ट नहीं हुए। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने मैसेज लिखा यहाँ पे हेलो टेस, जो आपको लिखना है वो। उसके बाद एड ऑल में जाइए, सारे के सारे किसान आपके सिलेक्ट हो गए मैसेज सेंड करने के लिए। और जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं आपका मैसेज जाना शुरू हो गया। तो ये मैसेज आप जब भेजते हैं तब बस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिए कि ये मैसेज भेजते वक्त मैं जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छी इंटरनेट हो। क्या है कि हम बहुत बार 500, 700, 1000 किसान सिलेक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस होने में कम से कम 1 मिनट लग जाता है। तो इस पे एक हम इंटरनेट का ये करें, अच्छा सा इंतजाम करें तो सारे किसानों को वो मैसेज चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप आपके सारे किसानों को टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं।